आज करने वाले हैं बहुत ही सीक्रेट अनबॉक्सिंग। देखते हैं क्या है बॉक्स में। सीक्रेट कुछ नहीं दोस्तों, बॉक्स के अंदर मेरे साइकिल की एसेसरीज है जिसके अंदर है हेडलैम्प और टेल लाइट। सारे स्पेसिफिकेशन अब हम जानेंगे साइकिल पर, सॉरी हीरो इलेक्ट्रो पर। अच्छा, हमको सिखा रहा है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हेडलैम्प की, जिसमें आपको लैम्प के साथ साथ मिल जाता है हॉर्न का भी ऑप्शन, जिसको आप माइक्रो यूएसबी से भी चार्ज कर सकते हो। हॉर्न की साउंड इंटेंसिटी आपको 140 डेसिबल मिल जाएगी, जिसकी लाउडनेस इनफ है। फ्रंट में मिल जाता है आपको एलईडी हेडलैम्प जो कि 215 लूमेन की फ्लक्स जनरेट करता है। इसमें आपको 3 मोड्स मिल जाते हैं, ग्लेयर, लो लाइट और स्ट्रोब। अगर इसको आप फुल बीम पे जलाते हैं तो कम से कम ये 2.5 घंटे का बैकअप दे देगा, और अगर आप इसको लो लाइट पे जलाते हैं तो समथिंग 5 घंटे का बैकअप दे देगा, और अगर स्ट्रोब पे जलाते हो तो 3.5 घंटे का बैकअप दे देगा। अब इसको करते हैं साइड में, बात करते हैं अपने टेल लाइट की। तो टेल लाइट के अंदर आपको मिल जाता है यूएसबी चार्जिंग केबल। और अगर बात करते हैं टेल लाइट की बिल्ड क्वालिटी की, तो दोस्तों इसकी जो प्लास्टिक मटेरियल बिल्कुल घटिया क्वालिटी की है, सच बताऊं तो। और साथ साथ में आपको दोनों रबर बैंड्स मिल जाते हैं। रबर बैंड आपको 2 टाइप के मिल जाते हैं, एक छोटा और एक बड़ा, आप उसको साइज के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बात करते हैं हेडलैम्प की, तो दोस्तों इसकी ब्राइटनेस बहुत अच्छी और डिसेंट क्वालिटी की है। स्ट्रोब लाइट का इफेक्ट भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, जो कि रात में और अच्छे से दिखाई देगा। तो दोस्तों सबसे पहले इस तरह से ऐसे ओपन कर लेंगे। हैंडल के राइट हैंड साइड में एक्सीलेटर मिल जाता है। मैं चाहूँगा कि आप यहाँ ना लगाकर आप इस साइड लगाओ। सबसे पहले हम इसको ऐसे माउंट कर लेंगे, और जो ये स्ट्रैप दिया हुआ है इसको हम ऐसे करके खींचेंगे, ये सबसे आउट वाले पे लगा देंगे ताकि इसकी ग्रिप बहुत ज़्यादा टाइट हो सके। सो ये लग चुकी है, और यहाँ पर इसका जो ये वायर दिया हुआ है इसको हम इस तरह से बाउंड कर करके इस तरह से, और यहाँ आने के बाद खोल लिया हमने, और इस स्ट्रैप को कंट्रोलर के अंदर से ले जाके ये स्ट्रैप को ले करके स्ट्रैप को थर्ड वाले में लगा लेंगे। और इसको ऐसे मैं बहुत बेहतर पोजिशन पर लगाया है मैंने, ये मैंने ऐसा कर लिया। इसको लाइट के एडजस्टमेंट आप ऐसे भी कर सकते हो चेक करके, ये काफ़ी एग्जैक्ट पोजीशन होती है जैसा कि आप देख पा रहे होगे। ये पोजीशन सबसे बेस्ट है, ये आपका लाइट दिखाई दे रहा है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों मैं इसकी जो ब्राइटनेस टेस्ट है आपको रात में करके दिखाऊंगा। अब हो गई है रात और इलेक्ट्रो हो गई है ऑन। जैसा कि आप देख सकते हो इसका फ्लैश काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और अल्ट्रा ब्राइट है, और इसकी टेल लाइट जो कि काफ़ी अच्छे से ब्लिंक कर पा रही है। आप इसको जितने बार टैप करोगे उतने बार अलग अलग टाइप से जलती रहेगी, जैसे इस टाइम ब्लिंक हो रही है। इसके अंदर टोटल 7 मोड है। इसकी चार्जिंग टाइम 2 घंटे की है, तो चार्ज करने के बाद आप इसको 5 घंटे तक यूज़ कर पाओगे। इसकी लाइट काफ़ी अच्छी है जो रात में काफ़ी दूर तक दिखाई देती है। मनपसंद मोड को ऑन करके आप राइडिंग का मजा ले सकते हो। फ्रंट हेडलैम्प काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, कोई सामने से आ रहा तो ये कोई जज नहीं कर सकता। जो आ रही है साइकिल की लाइट है, ऐसा उसको फील होगा कि ये कोई इलेक्ट्रिक स्कूटी की लाइट है। अगर बात करें हेडलैम्प की, तो इसकी बीम 50 मीटर तक दूर जाती है। यहाँ पर रिकॉर्डिंग मैं सामने से कर रहा हूँ, हेडलैम्प की बीम काफी ज्यादा पावरफुल और डिसेंट है। रात के टाइम ये आपको कुछ इस तरह से लगेगा जैसा कि आप देख पा रहे हो। रात की कुछ फोटो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इस टाइम मैं आया हूँ अपने नियरेस्ट पेट्रोल पंप के पास। मर गया ला ला, ला 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 ला। मैंने इसकी लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हो। ये मैंने दोनों सेट ओनली 400 रुपीज में परचेज किया है, आप भी इसको परचेज कर सकते हो। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर देना, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि अब मैं इसी तरह से साइकिल से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। करते हैं वीडियो को एंड। जय हिंद, जय भारत।